हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गोल लगा तैनी। तो दोस्तों, आज सपना में देखी हूँ कि मास्टर शेफ में फर्स्ट आई हूँ। अब मेरा बेटा भी बोल रहा है कि मम्मी, आपका सपना पूरा हो गया ना। तो आज रात को मैं सपना देखी थी, लकी उठना, सपना देखी, मेरा सपना पूरा हो गया। देखिए, लकी इधर सोया था, ललित भी इधर सोया था, हम और अंजलि एक रूम में सोए थे। उठ उठ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। उठना उठना लग रहे, चल रहे मेरे को। मैं सपना में देखी ना कि सर जो थे ना, तुमको भी बुलाए थे। हाँ, कि तुम भी मास्टर साहब बनोगे। तो तू बोला ना सर से, नहीं सेफ जी, मैं तो बाद में बनूंगा, अभी मम्मी बनना चाहती है। उठ जाए, जल्दी लेट हो जाएंगे। उठ जा, मेरे बच्चा, कैसे सोया है छोटा बच्चा, जैसे 2 साल का नहीं सोता है। देखिए बाल उल कैसे कर लिया है। उठना, उठे तो दिखा दूंगी वीडियो में। ये देख रहे हैं, दोनों झुक रहे हैं। इधर अंजलि को उठाई हूँ तो ये अपना ब्रश लेके घूम रही है। और सुबह सुबह जमाई आ रहा है, क्योंकि रात को इतना थके थे हम लोग। लकी सोना नहीं, उठ जाए ना, तो मैं भी सो जाऊंगी, फिर मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। उठ, नहीं उठना, हटना रे, सुता मत मेरे को। नहीं सोते का नहीं, अभी चल, लेट हो जाएगा। मेरे जा रही हूँ नहाने, नहा के बस तैयार होना है। दोस्तों, आज हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मैं बता नहीं सकती। मैं सपना में क्या देखी हूँ आपको बताऊंगी, जब सपना पूरा हो जाएगा तो जरूर। तो चलते हैं दोस्तों, आज जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारा लाइव कुकिंग है जज साहब के सामने। जज साहब आए हैं ना दूर दूर से, पंजाब से, मुंबई से, लखनऊ से, उनके सामने कुकिंग है। जल्दी उठ जाइए ना, तो हम छोड़ कर भाग जाए आगे। लाला जी को थोड़ा तो धमका दियो कि जल्दी उठिए, नहीं तो छोड़ कर भाग जाऊंगी रेस में आगे। गुस्सा दिलाते हैं इतना ना। अब अंजलि मेरा भी उठना, रहे गंदा बेटा, उठ जा, ले उठ जा। मम्मी ने ग्रीन टी भी बना दी हमारे लिए। बात यह ना कि सब लेट सोए हैं, बिल्कुल 3-4 घंटे की नींद ही हुई है। बस कोई नहीं, अब जाना है तो जाना है भाई, जरूरी है। मम्मी को तो नींद ही नहीं आई पूरी रात। मेरे को कंफर्टेशन है, कॉन्फिडेंस। हाँ, वही वाला। मैं रात को सपना देखी, रात को क्या, सुबह सुबह देखी हूँ। सुबह का सपना पूरा होता है। फुल मतलब लोग थे, मतलब मैं लाइव कुकिंग कर रही थी, उसमें जज मेरे को बोले ऐसे हाथ किए। मैं सोची भाई उठो, कब तक, मैं कब से उठी हूँ, तुम ही लोग नहीं उठ रहे तो फिर गाना चलाई। इन्होंने तो घर में बिग बॉस बना रखा है। नहीं उठे तो गाना इतना तेज लगा कि मुझे लगा किसका फोन बजे जा रहा है। मम्मी तो बगल में सोई है बेचारी, वो भी परेशान हो गई होगी। मुझे क्या पता था कि इन्हीं ने गाने लगा करके छोड़ रखा है टेबल पे। उठ जा लकी, फिर इशू हट ना, और मेरे को नहीं लेना, पानी डाल दो। उठ उठ जल्दी, उठ उठ, प्यार प्यार सब हो तो उठा ली। उठ, 2 मिनट में उठता हूँ मम्मी। और जो ले जाने वाले भैया है वो कितना सो रहा है देख सनी। अभी सोए हुए, अभी सही है भैया, मतलब हर जगह इन्हीं का हाथ है भाई पहुंचाने में हमको। वो सही से सोएंगे तभी तो ड्राइव करके लेके जाएंगे। मतलब भैया हमारा सपोर्ट सबको ही कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, दोस्त हो, सबसे ज़्यादा तो दोस्तों का सपोर्ट है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। और मैं करोड़ों बार बोलूँ ना कि धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, रट्टा लगा लूँ, जैसे कहते नहीं है राम राम एक राम राम दो तो कम होगा। आपको क्या लग रहा है, हम मास्टर शेफ में विजयी होएंगे कि पिटा के आएंगे? देखो अपने ऊपर पानी डाल के आज जज के सामने जाके खड़ा हो जाना है कि जज साहब मैं नहा के आया हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर। उठ जाबे उठ जाबे करेगा, उठ जा करते करते खुद सो गया। उठ, रोज सुबह ऐसी करते हैं दोनों का दोनों। सुबह हो गई है, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, अरे उठ जा यार, देख मम्मी गुस्सा कर रहे हैं, उठ जा। कल सो लेना पूरी रात, कल पूरा दिन मिलेगा सोने को। देख ले बेटा, एक बार मेरे को चले जाने दे, फिर
फिर तू दो दिन तक सोई हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मास्टर साहब के लिए 6 बजे से तैयारी हो रही हूँ, नेल पेंट लगा के सुखा रही हूँ दोस्तों। सूखने में टाइम लगता है आधा घंटा। मम्मी बिल्कुल बंगाली लुक में तैयार है भाई आज। तो दोस्तों ये बंगाली वाला साड़ी बनारस से लिए थे, मेरे दोस्त खरीदवाई थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के दुनिया में। तो दोस्तों आज हमारे दुनिया में ना हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मतलब मेरा सपना पूरा होने जा रहा है दोस्तों। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना कि मतलब मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप नहीं होते तो हम कामयाब नहीं होते। ये बात है दोस्तों। तो बस हमको बहुत खुशी मिल रही है कि आज हमें मास्टर शेफ में लाइव कुकिंग करने का वो मौका प्राप्त हो रहा है और हम बहुत खुश हैं कि हम बनाएंगे अच्छा अच्छा डिश, जज साहब को खिलाएंगे, जो हमारे शेफ हैं उनको खिलाएंगे, उनको जरूर पसंद आएगा। तो आज मैं कोलकाता में हूँ तो आज मैं बंगाली लुक वाला साड़ी पहनी हूँ और देख लीजिए आप लोग कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है लक्की? अच्छा लग रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बंगाली लुक वाला साड़ी कहाँ से ली, तो ये बनारस से ली थी मैं, आप लोगों को बताई भी पहले भी। और ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मैं बता नहीं सकती कितनी खूबसूरत आप लोगों के जैसा। इधर अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हो गई हूँ और बस अब एक चीज करना बाकी है, पानी पी के घर से निकलना बाकी है, हैं? और लक्की इधर रेडी हो गए हैं, घर में तो इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। और इधर रूम में लाला जी भी तैयार हुए हैं, देख रहे हैं इधर देखिए है? आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, बाहर निकलते हैं तो दिखाती हूँ। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। कौन मार रहा है? रुक जाओ, अवतार जी कौन मारता रहे? बोल रही क्रीम लगा ले थोड़ा सा हाथ में लोशन। हाँ लगा, नहीं लगा रहा हूँ, नहीं लगाता है सर। मत कर रहे हैं तो फिर क्रीम लगाना, उसमें सूखा सूखा लगेगा तो बड़ी मार मारे। ये लगा लेना, चल ड्रामा मत कर ले, ऐसे तो लगवा लेते हैं, वीडियो के लिए ज्यादा भाव खा रहे हैं। लगा रहे नहीं मुझे तो फालतू, कभी नहीं लगाता है, गांव में जब था ना तो इसका मतलब लगाना। मैं तो तुम्हें कैसे पता बॉडी लोशन बढ़िया है? अब दूध का बना हुआ है, ले लेके लगा चुका हूं। किसने लगा लिया? हां पहले ही लगा दिया। तो इधर देखिए सब कोई रेडी हो गए हैं। 9:30 बज गए यार, तू तो अभी शीशा में देख रहा है, पता नहीं तेरा ऑडिशन होने वाला है, जैसे तू कर रहा है इज्जत ही नहीं। वीडियो बन रहा है, देखो थोड़ा वीडियो बन रहा है, क्या करूं? चल जल्दी कपड़ा निकाल, देख रहे हैं लाला जी का। आप तैयार हो गए ना? हाँ तैयार कर, तू चलेगा तभी तो चलूंगा, मेरा तैयार होने से क्या होता है, मेरा ऑडिशन है यार, तैयार हो रहे हैं ये सब, पता हो? हाँ कैसा लगा तेरी हम देखी था, लग रहा है ना? बोल दें तो लड़ाई हो जाएगी। लगा तेरी नू के कलकत्ता के वही हाँ सही दिल से बताए, दिल पर हाथ रख के पर्पल है वे सही लगा तेरे है, मोटर माला हो है जन लोग का तनु, मोटर माला है, गला के माला है, गला के माला है, गला के अंदर के माला है बच्चा। देखो हाई देखिए ये मोटर माला फ्रेंड लोगों के लिए, आई ये है पति देव के लिए, ये है बच्चा देव के लिए। तेरे लिए कह रहा है, मेरे कुछ भी नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं हूँ भैया। और लटका दे कुछ देर भाई, हाई लटका दे, नजर न जाएगी, हाई लटका दे, नजर न जाएगी। हाँ तो ये दे रहे हैं कि ऐसे लटका के चलो। हाँ तो लटका ले, मैं करा के तो देखी कैसे लुका होता है। चलो चलो बाद में फोटो खींचूंगा, चलो चलो।
जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग फोटो ले रहे हैं, मेरा भी मन था पर नहीं लूंगी और जा रहे हैं। ठीक है सर, बाय बाय सर, सभी लोगों को बाय। चार पाँच घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली मम्मी आ गई हैं और इतना टाइम से हम लोग इधर उधर इधर उधर कर रहे थे। मम्मी कैसे लगे रेसिपी? रेसिपी मतलब जो मैं रेसिपी बनाई थी, मेरा रेसिपी था, मैं बता देती हूँ अपने दोस्तों से। सरसों का तेल वाला पराठा और कढ़ाई मशरूम था, जितने भी सेब थे सारा उंगलियाँ चाट के खाए हैं और इतना सा बचा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये साइड में जो है ना, यही मेरा थोड़ा सा रेसिपी है, बाकी लाला जी बनाया है, क्या वो बताएंगे। आप क्या बना दे पा? मैं बनाया था मसाला भात, हाँ, झींगा मछली के साथ। अच्छा, झींगा मछली के साथ मसाला भात। यार मुझे बुला लेते, मैं इसकी रेसिपी शूट कर देता मेरा दो दिन का काम कम होता। जज साहब तो टेस्ट कर लिए हैं, देखो इतना ही पराठा बचा है, मैं बताती हूँ। ये देखिए इतना ही पराठा बचा है, दो पराठा बनाए थे हम और इतना ही पराठा बचा है, थोड़ा सा कढ़ाई मशरूम बचा है। बाकी जब हम जज के पास से वापस आए तो जो हमारे दोस्त थे हमारे बैच में, वो टेस्ट किए तो खत्म हो गया। ये बताओ कि मुझे कौन खिलाएगा? नहीं ला ला ला, टेस्ट करो। अभी हम जाएंगे सीधा घर, लो टेस्ट करो। अब घर जाके थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद आगे ब्लॉग में क्या होगा वो देखिएगा। इंतजार बस बस बैठ गई हूँ, बस अब आई रही हूँ, आई रही हूँ। ये पत्ता फट गया। अब चलते सीधा घर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बहुत मशक्क़त के बाद अब हम घर जा रहे हैं और उसके बाद कुछ खाएंगे।